हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमेक्स यू। मैं हूँ आयुषी और मैं आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं मीशो का लहंगा रिव्यू करने वाली हूँ। तो गाइस, ये जो लहंगा है इसका प्राइस अराउंड 1000 है एंड इट्स अ वेरी गुड लहंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं बता देती हूँ कि मैं आयुषी हूँ और इस चैनल पर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ रिलेटेड टू एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी। सो इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अब बहुत ज़्यादा डिले ना करके लेट मी शो यू द लहंगा। गाइज, आज का लहंगा ये है और मैंने इसी तरह की एक साड़ी भी रिव्यू करी थी जो मैंने फ्लिपकार्ट से बुलाई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी देख लो, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी प्रिटी साड़ी एज वेल। बट ये जो लहंगा है ना, ये अगेन कुछ उसी टाइप का है एज इसमें जो दिया हुआ है सीक्वेंस एकदम रनिंग में नहीं है, अलग अलग दिया हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड, अभी सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। सो आई थॉट वाई नॉट ऑर्डर दिस वन एंड रेड, वाई रेड, बिकॉज अभी क्रिसमस है। सो इट्स अ लाइक वेरी गुड थीम्ड कलर। सो मैंने सोचा वाई नॉट ऑर्डर दिस वन, लेट मी शो यू, लेट मी मेजर दिस फॉर यू कि इसका वेस्ट कितना आएगा। तो गाइस, इसका जो वेस्ट है अराउंड 44 आ रहा है, तो इट्स अ गुड पीस, हर किसी को आ जाएगा आराम से। पीछे से मैं दिखाती हूँ, तो इट्स लाइक पूरा सैटन फैब्रिक में दिया हुआ है एंड यहाँ पर कैन कैन भी दिया हुआ है। तो इट्स अ गुड पीस, 1195 में आपको कैन कैन भी मिल रहा है, सैटन फैब्रिक भी मिल रहा है एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग अ सीक्वेंस। सो इट इज़ लाइक अ प्रिटी अनबिलीवेबल डील। आप बिलीव नहीं करोगे, इस सेलर ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी है चोली के पीस में या फिर दुपट्टे में या फिर फैब्रिक में, क्योंकि ये प्राइस पे आई कैन नॉट इमेजिन कि इतना अच्छा कोई आपको दे सकता है। सो आप देखो कि चोली कुछ इस तरह की बनी हुई है, नेट में है, अगेन सीक्वेंस पूरा दिया हुआ है। क्लोजली आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट फैब्रिक तो ये हो गया, फैब्रिक है जिसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है। ओके, सो दिस इज़ लाइक, आप अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है सो यू कैन गेट दिस वन। और आप आराम से स्लीव्स भी सिलवा सकते हो, अगर आपके साथ फुल स्लीव्स चाहिए तो आप इसमें ये भी कर सकते हो। थर्ड फैब्रिक है सेम जो हमारा फर्स्ट फैब्रिक जैसा था, सेम उसी तरीके से दिया हुआ है। सो इट्स अगेन सेम फैब्रिक, फर्स्ट दिस इज़ देन सेकेंड वाला सेकेंड फैब्रिक एंड दिस इज़ आवर थर्ड वन। सो इट्स लाइक काफ़ी अच्छा तरीके से दिया हुआ है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी है फैब्रिक देने में। एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी कि 1000 के लहंगे में आपने क्या क्या नहीं दिया है। सो आई प्रिटी मच लव दिस लहंगा। मैं इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ आपको। तो गाइज, ये जो दुपट्टा है इसमें सीक्विन का वर्क दिया हुआ है एट द बॉर्डर एंड कुछ इस तरह का फैब्रिक है। इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा दिया है, आई थिंक 2.5 मीटर्स है। अच्छा, मैं आपको इसकी चोली का अस्तर दिखाना भूल गई, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि इतने प्राइस में आपको कितना अच्छा मिल रहा है। इस तरह का फैब्रिक हमको मिल रहा है सैटन का, जिस तरह से लाइनिंग दी हुई है लहंगे में उसी तरह का ये दिया हुआ है फॉर चोली। मैं इसको मेजर करके दिखा देती हूँ कि कितना कितना है, आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो। इसका जो लेंथ है अराउंड 45 आराम से आ रहा है एंड इसका विड्थ जो है वो भी मैं बता देती हूँ आप सभी को, विथ अराउंड 38 आ रहा है। सो इट्स अ गुड फैब्रिक, आप इजीली किसी भी स्टाइल में इसे सिला सकते हो। अब मैं इसका ड्रॉबैक बता देती हूँ बिफोर आई शो यू पहनने के बाद कैसा लगता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि आज जब मैंने इसे पहना था तब मुझे पूरे सीक्वेंस यहाँ पे गड़ गए थे एंड इट हर्टेड अलॉट। तो बी केयरफुल, अगर आप स्लीवलेस सिलवा रहे हो तो ट्राई करिएगा कि साइड वाले पोर्शन में आप उसको पूरा प्लेन छोड़ दो, अदरवाइज इट्स गोना हर्ट अलॉट। सो कीप दैट इन माइंड। और अगर स्लीव्स है तो कोई इश्यूज ही नहीं है, तो बाकी अब देख लेते हैं कि ये पहनने के बाद कैसा लगता है। तो गाइज, आप देख सकते हो कि ये लहंगा पहनने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसमें जो वर्क है, जो सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है वो एकदम चिपका हुआ नहीं है, बहुत दूर दूर है, लाइन में है, तो इसलिए इतना शाइन भी कर रहा है एंड दिस इज़ वाई ये बहुत डिफरेंट है जो आजकल जो सीक्वेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसी से थोड़ा सा डिफरेंट इनने बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत सुंदर है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जो दुपट्टा है उसका फैब्रिक नेट है और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गाइज, इसका फ्लेयर भी जो है बहुत अच्छा है, उसके जो प्लीट्स दिए हैं उसके कारण काफ़ी अच्छा फॉल आ रहा है। आप मुझे कमेंट्स में बताना पहली चीज़ कि ये लहंगा आपको कैसा लगा, दूसरा आप मुझे बताना कि आप किस टाइप की ज्वेलरी इसमें मैच करोगे। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो गाइज, until then, bye-bye.